मैंने यहाँ गाड़ी के आगे खड़ी गाड़ी कोई अड्डा नहीं है आश्वासन चाहिए यहाँ से मत ढोना था यहाँ से ढोना हटना नहीं है। आपको इतना समय नहीं, बच्चों के साथ खड़े होकर बात कर ले, लोग सेवक हैं आप। जैसा कि आप लोग वीडियो में देखें दोस्तों, पीएनपी सचिव का जो गाड़ी है दोस्तों उनको रोक लिया गया है और बैंक प्रशिक्षकों को प्रमोट का दोस्तों लिखित आदेश मांगा जा रहा है कि आप लिख के दीजिए कि प्रमोट किया गया है दोस्तों, क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर के बैच से किसी को रोका नहीं जाना चाहिए था। और पीएनपी सचिव ने कल लेटर में सीधे सीधे लिख दिया है कि थर्ड सेमेस्टर बैच वालों को प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो आप लोग को यही रिक्वेस्ट है दोस्तों, जल्द से जल्द आप लोग पीएनपी सचिव कार्यालय पर पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षु पहुंचेंगे तो जल्दी आपका काम हो जाएगा दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें कि पता चले और भी प्रशिक्षुओं को जिनको जानकारी नहीं है उनको भी पता चलेगा, तो बैच प्रशिक्षु भी प्रमोट हो जाएंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, एक लेटर जारी किया गया है। लेटर किसके लिए दोस्तों? पीएनपी सचिव को रिक्वेस्ट किया जा रहा है दोस्तों कि आप लिखित आदेश इस पर दे दें जिससे पहले दिए थे कि प्रमोट किया गया है, और उस पर सीधे सीधे बोला गया है कि तृतीय सेमेस्टर सबको प्रमोट किया जाएगा। तो अपने मुंह से बाड़ी बोले हुआ दोस्तों क्यों न कर रहे हैं दोस्तों, उसी के संबंध में लेटर जारी किया गया। जैसे विषय देख रहे हैं, डीएलएड 19 बैच द्वितीय सेमेस्टर के आंशिक बैच योफ्यमक प्रशिक्षकों को पेपर चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा कराने के हेतु, देखिए जिनका चतुर्थ सेमेस्टर का पेपर कराना दोस्तों बैक वालों को भी कराना है, और जिनका यूएफएम प्रॉब्लम है दोस्तों उनका भी, और साथ ही साथ जो थर्ड सेमेस्टर प्रमोट हुए हैं उनका भी, सबका फोर्थ सेमेस्टर का पेपर एक साथ होना चाहिए। और एक साथ जब तक नहीं मिलेंगे दोस्तों आप लोग, तब तक कुछ नहीं होगा। अभी भी टाइम है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षुओं को बताएं और प्रमोट लें दोस्तों, बैक प्रशिक्षु भी और साथ ही साथ एक साथ प्रमोट होकर फोर्थ सेमेस्टर का पेपर किया जाए। क्योंकि अभी पता चला है दोस्तों, से कम मार्क्स को भी पेपर देना था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। फर्स्ट सेमेस्टर किसी को नहीं देना है, पेपर देना है सेकंड सेमेस्टर का जिनका बैक है दोस्तों। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, प्रमोट किया जाए कोई पेपर नहीं देना है, यही मांग रखना है दोस्तों। जब तक ये मांग नहीं रखा जाएगा नहीं तो सेकंड सेमेस्टर का पेपर लेकर दोस्तों समस्या और खड़ी हो सकती है। तो जैसा देख रहे हैं बहुत सारे प्रशिक्षु इस पर साइन कर चुके हैं, केवल अब आदेश चाहिए लिखित में। यहाँ पर सीधे सीधे नोट में देखिए, महोदय जी से लिखित आदेश जल्द से जल्द जारी करने की कृपा करें। लिखित आदेश जारी होगा तभी बैंक प्रशिक्षु शांत बैठेगा, नहीं तो शांत नहीं बैठना है दोस्तों। 72,000 प्रशिक्षु है, एक साथ एकत्रित हो जाते हैं दोस्तों तो बहुत बड़ा काम आपका हो सकता है। और साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों कि जो बैंक प्रशिक्षु एक या दो विषय को पास होने की पूरी पूरी उम्मीद है, यदि वो थर्ड सेमेस्टर प्रमोट होते हैं और फोर्थ सेमेस्टर की जल्द से जल्द पेपर लिया जाता है तो शिक्षक भर्ती में सभी प्रशिक्षु एक साथ बैठ सकते हैं और आप लोग का काम भी हो सकता है। ठीक दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में ही तक, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, इसी तरह से आपको अपडेट देते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपके हैं कोई क्वेश्चन या फिर कोई डाउट या फिर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है किसी भी बोर्ड या फिर आप जेई नीट जैसे किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, तो आप अभी डाउनलोड कर सकते हैं फिलो ऐप, जहां पे आपको 24/7 कंसिस्टेंसी मिलेगी और आप इसे 3 ईजी स्टेप्स में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप, आपको इसे डाउनलोड कर लेना है गूगल प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से। उसके बाद आपको साइन अप कर लेना है अपना फ़ोन नंबर डालते हुए, ठीक है। फ़ोन नंबर 60 सेकेंड के अंदर आपको किसी एक्सपर्ट टीचर द्वारा वीडियो कॉल के माध्यम से आपसे कनेक्ट किया जाएगा और आपको सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है, अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस ऐप से कोई भी ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए VIG001 कोड का जरूर इस्तेमाल करें, जिससे कि आपको 10% का तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। धन्यवाद।